ओ ज्यादा मिलना चाहिए, देख वीडियो बननी है, वीडियो बननी, देख ज्यादा प्रसाद मिलना चाहिए। टू माई न्यू ब्लॉग राहुल जोशी ब्लॉग उत्तराखंड, आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छा हूँ, अभी मैं जा रहा हूँ मंदिर में प्रसाद खाने, तो चलो मंदिर में जाके आप लोगों से मिलता हूँ। मंदिर में पहुँच चुका हूँ और इधर बट रहा है पीछे प्रसाद, तो मैं भी अभी प्रसाद ले लेता हूँ जाके। किसका? इसका नाम कबूतर है और तेरा नाम? रस। इसका नाम है निकुबास। खाने में मस्त, निकुबास खाने में मस्त। देखो सभी बच्चे प्रसाद ले रहे हैं मंदिर में, ये देखो और भी आ रही है, भीड़ बढ़ती जा रही है। हमें भी मिल गया प्रसाद, अब हम खाते हैं यहाँ बैठ के। हाथ लेके आ गए हैं और खा के आए, अभी तुमने देखा उसने वही खाना चालू कर दिया है, और भी खाते खाते जा रही है बिल्कुल भी। ये देखो ये दोनों भी प्रसाद खा रहे हैं, कोने ऊपर भी शकल दिखाया, शकल जी अपनी शकल नहीं दिखा रही है, ज्यादा ही खाने में मस्त है। अभी देखो बच्चे प्रसाद लेके आ रहे हैं, मेरे पास भी है प्रसाद, मैं भी खा रहा हूँ। हमने प्रसाद खाया मंदिर पे और अब हम जा रहे हैं घर की तरफ, अब घर जाके खाना खाते हैं, उसके बाद मंदिर में शाम को वापस आएंगे। डॉली कहाँ सो रही है? उठ डॉली, आओ आओ, गुस्से में डॉली। अभी बनना है खाना खिचड़ी, इसमें तो अभी देखो ये चूल्हा है, आग जल रही है, ठीक है। सीटी भी आने वाली है साइड से, अभी मौसी रख के गई है तो मुझे इसे देखना है ताकि ये बन जाए, उसके बाद इसे नीचे निकाल दूं और उसके बाद मौसी को बता दूंगा। फाइनली अभी बच चुके हैं शाम के 6, तो अभी जस्ट अभी सो के उठा था मैं, क्योंकि दिन में सो गया था मात 3 बजे, उसके बाद लगभग 3 घंटा सो गया क्योंकि सर में भी दर्द हो रहा था, और शाम को मंदिर में 22 जगह भी है तो उसे भी पूरा कंप्लीट देख लूँगा। और अभी आपका देख सकते हो पानी भर रहा हूँ, ये रहा पीछे ना, यहाँ से पानी भर के मुझे रखना है, इधर देखो इधर ऊपर वहाँ पे बाथरूम पे, तो चलो जल्दी से ना भर लेते हैं। पानी कम आ रहा है इस वजह से थोड़ा लेट भर रहा है, वरना तो पानी काफ़ी जल्दी भर जाता है। और हाँ आप कल वाले ब्लॉग देख लेना, ठीक है, जो अम्मा का मैंने ब्लॉग बनाया था अम्मा के ऊपर, तो उनका पार्ट 2 आने वाला है काफ़ी जल्दी, अम्मा वाले ब्लॉग का पार्ट 2 आ जाएगा, ठीक है। या तो पार्ट 2 पहले अपलोड कर देता हूँ उसके बाद ये ब्लॉग आएगा, या पहले अपना ब्लॉग अपलोड करता हूँ उसके बाद अम्मा वाला पार्ट 2 अपलोड करूँगा। अभी बाल्टी भर चुकी है, अब मुझे भरनी है गगरी, तो चलो मैं जल्दी से गगरी को भर लेता हूँ। तो अभी सिंपली पीछे मैंने गगरी लगा दिया है, तो अभी गगरी भर रही है, ये भरने के बाद दोनों बर्तन मुझे रख दें और बाकी तो भर लिया मैंने पानी, तो उसके बाद मिलता हूँ आप लोगों से। पानी को ऊपर भर रखा है बाथरूम पे, अभी थोड़ा सा मूड होते हैं क्योंकि नीति की वजह से आंखें अभी भी वैसी हो रही हैं, ठीक है, अच्छे से अजीब ही लग रहा है तो मुंह वगैरह धोता हूँ उसके बाद। तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग राहुल जोशी ब्लॉग उत्तराखंड, आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। अभी सुबह के बज रहे हैं 7 और जस्ट मैं अभी उठ के आया हूँ नल पे, पीछे नल है, हाथ मुंह धोने के लिए देख सकते हो, और अभी टूथपेस्ट करते हैं उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं ब्लॉग में आगे। अभी जस्ट नहा के तैयार हुआ हूँ, कपड़े वगैरह चेंज करके बाल वगैरह बना के, तो अभी मुझे जाना है भाभी के यहाँ ऊपर रन्नी बुलाने के लिए, सिकंजी बनाने के लिए, क्योंकि सिकंजी बनानी है। अभी आ रहा हूँ ऊपर भाभी के घर से ये नींबू लेके, क्योंकि इससे थोड़ा सा सिकंजी बनाना है आज, इसलिए क्योंकि सर में काफ़ी दर्द हो रहा था, और देखो नहा के अभी तक मैंने बालों में तेल भी नहीं डाला, किस तरीके से हो रहे हैं। चलो तो नींबू के सिकंजी बनाते हैं घर जाके, ठीक है। तो घर पहुँच गया मैं, डब्ल्यू गाँव की भैया खा रहे हैं यहाँ नाशपाती तुमड़ी वाली, हम भी खा रहे हैं सेब उन्होंने, हाँ हाँ सेब सेब काटो सेब खा रहे हैं विक्की भैया, ज्यादा सेब
ताऊ जी सेब खा रहे हैं देखो। हाँ अकेले अकेले खा रहे हैं, अभी काट रहे हैं, काटने का फंक्शन चल रहा है। फिर फंक्शन ये वो काटने का काट रहे यार जल्दी जल्दी काटो का ये चल रहा है। सुंदर वो सेब कट गया। हाँ सेब कट गया, सेब कट गया, सेब बट रहा है सेब। एक सेब सौ बीमार, एक सेब सौ बीमार हो रखे यहाँ पे। सबको थोड़ा थोड़ा मिल रहा है। वो मिल गया। एक सेब सौ बीमार हो गया।